महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के मंत्री गिरीश महाजन का बड़ा बयान, नासिक में अभिनेत्री तुनिशा की मौत के केस को बताया लव जिहाद का मामला। मंत्री गिरीश महाजन ने कहा पुलिस तुनिशा की मौत के केस को लव जिहाद के एंगल से भी करे जांच। मंत्री गिरीश महाजन बोले मैं देख रहा हूं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं लव जिहाद के मामले। शिंदे सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने यहां तक कहा हम लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर कर रहे हैं विचार। तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है, मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन ब दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा तुनिशा की मौत की वजह लव जिहाद हो या कुछ और, परिजनों को 100% मिलेगा इंसाफ। क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है, यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। सिने वर्कर्स एसोसिएशन को आशंका है हो सकता है तुनिशा शर्मा की हुई हो हत्या, एसआईटी जांच की मांग की। तुनिशा की मौत के मामले में तुनिशा और शुजान के कॉमन फ्रेंड्स के पुलिस कर सकती है पूछताछ, शुजान के बयान को किया जा सकता है क्रॉस एग्जामिन। तुनिशा की खुदकुशी केस में उनके साथी कलाकार शुजान खान को पुलिस ने किया है गिरफ्तार, लव जिहाद को किया खारिज, तुनिशा की मां ने शुजान पर लगाए हैं गंभीर आरोप। मंगलवार को होगा अभिनेत्री तुनिशा का अंतिम संस्कार, कुछ परिजनों के इंग्लैंड से आने का है इंतजार। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान विवाद मामले में 20 जनवरी को आपत्ति दाखिल करेगा मुस्लिम पक्ष, मथुरा ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण के आदेश पर जताया एतराज। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पक्षकारों ने शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए दायर की थी याचिका। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पक्षकारों ने मुगल बादशाह औरंगजेब पर कटरा केशवदेव मंदिर के विध्वंस और श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13 एकड़ 37 बीघा भूमि पर कब्जे का लगाया है आरोप, कब्जे की जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद के निर्माण की दी दलील। मथुरा विवाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने राजस्व विभाग के एक अधिकारी को दिया आदेश, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की 20 जनवरी को पेश करें सर्वेक्षण रिपोर्ट। चीन के झेजियांग में कोरोना से मची भीषण तबाही, प्रतिदिन 1 मिलियन से भी ज्यादा कोरोना पीड़ित आ रहे सामने। दिल्ली एयरपोर्ट पर रैंडम कोरोना जांच, कुछ यात्रियों को पाया गया पॉजिटिव। दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना करीब 25,000 यात्रियों का होता है आवागमन, 445 लोगों की गई रैंडम जांच में आधे फीसदी से भी कम लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल, रखी जा रही ऐसे लोगों पर नजर। भारत में कोरोना पीड़ितों के एक्टिव केस की संख्या में इजाफा, फिलहाल देश में 3,424 कोरोना एक्टिव मामले। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना रिटर्न की आशंका से बढ़ी सख्ती, मास्क किया गया अनिवार्य। लखनऊ के अस्पतालों में कोरोना खतरा बढ़ते देखकर आइसोलेशन वार्ड के किए गए तैयार, टेस्टिंग लैब और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को पहले ही चालू किया गया। बढ़ते कोरोना संकट को देखकर जेल अधिकारी भी हुए सतर्क, डीजी जेल ने आज हाई लेवल ऑफिशियल मीटिंग बुलाई। कर्नाटक की बोम्बई सरकार कोरोना की चौथी लहर की आशंका पर हुई सचेत, कोरोना गाइडलाइन जारी करने पर आज ले सकती है फैसला। विशेषज्ञों के साथ बोम्बई सरकार की आज बैठक, कोरोना के रोकथाम और नए साल के जश्न को लेकर होगा मंथन। भारत में बढ़ते कोरोना खतरे के बीच 32,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर, अपनी मांगों को लेकर 15 दिसंबर से बंद किया कामकाज। कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने देश को किया अलर्ट, कहा नए साल में जश्न में रहें सतर्क, मास्क और सैनिटाइजेशन का ज्यादा रखें ध्यान। आगरा में चीन से लौटा 40 साल का शख्स, कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। चीन में तबाही मचाने वाला वेरिएंट BF7 भारत में नहीं होगा खतरनाक, CCBM चीफ का दावा। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आने वाले पर्यटकों को मास्क पहनना जरूरी, क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस। कोविड पर राजस्थान के सीएम
अशोक गहलोत का बयान, कहा हम कोरोना से निपटने के लिए तैयार, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं यूपी एमपी से बेहतर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक बार फिर से मास्क पहनने की अपील की, दिल्ली में बढ़ी मास्क की बिक्री। नागपुर में सरकारी और निजी कार्यालयों में मास्क अनिवार्य, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कर्नाटक में भी कोविड को लेकर बीजेपी सरकार अलर्ट, सोमवार को जारी कर सकती है गाइडलाइंस। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 201 नए मरीज आए सामने, संक्रमित मरीजों की संख्या 3400 के पार। बिहार में कोरोना पर सीएम नीतीश कुमार का दावा, अलर्ट मोड में प्रशासन, 50,000 रोजाना हो रहे हैं कोविड मामले। नेपाल के पीएम बनेंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड, सोमवार दोपहर 4:15 बजे लेंगे शपथ, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, दोस्ती को और प्रगाढ़ बनाने पर दिया जोर। दिल्ली में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा, श्री गुरु गोविंद सिंह के बेटों साहिबजाद बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को करेंगे याद। कांग्रेस के जारी वीडियो में राहुल गांधी का बयान, अगर युद्ध हुआ तो भारत को एक ही वक्त में चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ना होगा, कहा सरकार को बताना ही होगा कि चीनी सरहद पर क्या हो रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देंगे राहुल गांधी, जाएंगे सदैव अटल समाधि स्थल, राहुल के फैसले से कांग्रेस ने में उठे सवाल। खड़गे के कोऑर्डिनेटर और कांग्रेस नेता गौरव पांडी ने वाजपेयी को बताया अंग्रेजों का जासूस, बीजेपी का पलटवार, ये संयोग नहीं प्रयोग है। संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बुर्क ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कि कोरोना कुछ नहीं है बल्कि सियासी कोरोना है, दिल्ली में राहुल गांधी के दाखिल होने से परेशान है बीजेपी। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने राहुल गांधी की जमकर की तारीफ, कहा राहुल के भाषणों से देश में मच रही खलबली। स्टालिन ने कहा राहुल गांधी चुनावी राजनीति या दलगत राजनीति नहीं करते, वो कर रहे हैं विचारधारा की राजनीति, गोडसे के वंशजों को इससे हो रही पीड़ा। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर शिंदे सरकार ले सकती है फैसला, आज पेश कर सकती है प्रस्ताव, कर्नाटक सरकार पहले पास कर चुकी है प्रस्ताव। कर्नाटक सीएम बोम्मई के बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के आसार, सोमवार को आरक्षण और कैबिनेट विस्तार को लेकर हो सकती है चर्चा। बीती रात नागपुर पहुंचे पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और संजय राउत, उद्धव ठाकरे सीएम पद से हटने के बाद आज पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई में ले सकते हैं हिस्सा। आज महाराष्ट्र विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार, भ्रष्टाचार के मुद्दे की रहेगी गूंज, हाईकोर्ट ने कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के भूमि आवंटन पर लगाई रोक। बीजेपी और शिंदे गुट उठा सकता है दिशा सालियन की मौत का मुद्दा, आदित्य ठाकरे पर उठी उंगली के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस केस में जांच के लिए एसआईटी का किया है गठन। विधानसभा में शिवसेना, उद्धव गुट उठा सकता है ठाणे में बिल्डर सूरज परमार की खुदकुशी का मुद्दा, सत्ता पक्षी कई नेताओं पर लग रहे हैं गंभीर आरोप। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बिल्डर सूरज परमार की खुदकुशी केस में एसआईटी जांच की मांग की। कोटा में छात्राओं से यौन उत्पीड़न की कोशिश करने के आरोपी प्रोफेसर और छात्रों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए आरोपी। आरटीयू कोटा की प्रोफेसर गिरीश परमार पर रोज हो रहे खुलासे, छात्राओं से पास कराने के बदले असम्मत का करता था सौदा, गिरफ्तारी के बाद आरोपी प्रोफेसर सस्पेंड। दिल्ली नागलोई इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 DTC ड्राइवर की मौत, DTC कर्मचारी एकता यूनियन ने 24 घंटे की ड्यूटी को बनाया मुद्दा। रामपुर में पुलिस ने एक पादरी को किया गिरफ्तार, लालच देकर धर्मांतरण कराने का है आरोप। बिहार की सीतामढ़ी में भीषण अग्निकांड, चटगौरा गांव में लगी आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत, कई मवेशियों की भी गई जान। औरंगाबाद के कचनेर जैन मंदिर से सोने की मूर्ति गायब, 2 किलो था मूर्ति का वजन। यूपी के गोंडा में सवारी बैठाने के विवाद में टैक्सी चालकों के बीच चली गोली, एक शख्स हुआ घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई में अस्पताल में मरीज की मौत पर बरपा हंगामा, डॉक्टर पर इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान गायब रहने का आरोप। उत्तरकाशी जिले में अचानक शुरू हुई बर्फबारी, गंगोत्री, हर्षिल और मुखबा की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। शिमला में 13 डिग्री तक पहुंचा तापमान, पर्यटकों को नहीं हुआ बर्फ का दीदार। एमपी के छतरपुर में शीतलहर की मार, कड़ाके की ठंड से लोग कर रहे परेशानी का सामना। आईएमडी की चेतावनी, अगले 5 दिन तक रहेगा घना कोहरा, पंजाब के लिए भी अलर्ट।
सहारनपुर में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस। चर्च में प्रार्थना कर काटा केक, ढोल पर जमकर नाचकर मनाया त्योहार। मथुरा में क्रिसमस और नए साल के मौके पर पुलिस का पैदल मार्च, लोगों की गाड़ियों की गहन चेकिंग। देवघर में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पर्यावरणविद रजत मुखर्जी के घर क्रिसमस मनाने पहुंचे। रजत मुखर्जी प्राचीन डाक टिकटों से क्रिसमस ट्री बनाकर मनाते हैं। ओली में क्रिसमस के अवसर पर पर्यटकों का लगा हुजूम। जोशीमठ ओली रोपवे सुबह 10 बजे ही हुआ पूरी तरह से पैक। उत्तर प्रदेश की पहली महिला बस चालक प्रियंका ने दिया योगी मोदी का धन्यवाद। पति की मौत के बाद बनी थी ट्रक चालक, बाद में उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम में मिली नौकरी। सूरत में मजदूरों ने की फैक्ट्री मालिक सहित 3 लोगों की हत्या, नौकरी से निकाले जाने पर दिया घटना को अंजाम। झारखंड के लोहरदगा में अज्ञात ने की 5 साल की बच्ची का गला घोट कर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। जालौर में थाना प्रभारी ने की बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, परिजनों ने थाना प्रभारी और डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। महाराष्ट्र की बीड़ में 22 साल के युवक की हत्या, सड़क किनारे मिला शव, शरीर पर मिले चोट के निशान। राजस्थान के बाड़मेर में पत्नी के साथ दुष्कर्म के बाद पति ने की आत्महत्या, पुलिस ने दुष्कर्मी को किया गिरफ्तार।